हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक बार एमटीपी किट या कोई भी एबोर्शन पिल्स ले चुके हैं, और अगर वो फेल हो गई, मतलब लेने के बाद में आपके जो केस से वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर टैबलेट खाने के बाद में आपको दो चार बूंद ब्लड आके ब्लीडिंग रुक गई, या बिल्कुल भी नाम मात्र की ब्लीडिंग होकर के बंद हो गई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका एमटीपी जो आपने टैबलेट्स लिया है उसने काम नहीं किया, वो फेल हो गई। तो पेशेंट का सवाल होता है कि क्या हम दूसरी टैबलेट ले सकते हैं, और कितने दिन के बाद में हम ले सकते हैं, और उसको लेने का सही तरीका क्या होता है। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली नई नई वीडियो मिल सके और आप उनका नॉलेज ले सके। हम बात करते हैं कि एमटीपी किट अगर आपने एक बार खा ली, खाने के बाद में या तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होके रुक गई, या एक दो दिन ब्लीडिंग होके रुक गई और आपको लगा कि मेरी ब्लीडिंग कम हुई है और मुझे लग भी रहा है कि मेरा केस क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको 7 दिन तक इंतजार करना चाहिए। एमटीपी किट में 5 टेबलेट होती है, जिसको कि जो भी जिसका डॉक्टर जिस तरह से सलाह देता है वो पेशेंट उस तरह से खा लेता है। 3-4 तरीके होते हैं जिनमें नॉर्मली हम एमटीपी किट यूज़ कराते हैं, पर मैं जो 2 तरीके यूज़ करती हूँ वो सबसे बेस्ट होते हैं, और उसका सक्सेसफुल रेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि शॉर्ट में हम देखते हैं कि पहला तरीका जो होता है कि 24 24 आवर का गैप दे करके हम देते हैं, यानी कि पहली टेबलेट आज, फिर सेम टाइम पे कल 2 टेबलेट, और परसों के दिन सेम टाइम पे 2 टेबलेट, यानी कि 24 24 घंटे के गैप से आपको खाना है। दूसरा तरीका होता है कि जैसे एक टेबलेट हमने आज रात में 9 बजे खा ली, बड़ी वाली मिफेप्रिस्टोन की जो सबसे ऊपर होती है, एक दिन का गैप देना है हमको। परसों के दिन सुबह में 8 बजे 2 टेबलेट, और फिर 3 घंटे के बाद आपको 2 टेबलेट खाना है। ये दोनों ही तरीके सबसे बेस्ट होते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और सक्सेसफुल रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और भी कई सारे अदर तरीके होते हैं जिनको कि मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, और मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों का केस बिगड़ जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग 1 टेबलेट सुबह शाम करके लेते हैं, बहुत सारे लोग 4 टेबलेट वेजाइनली इंसर्ट कर लेते हैं, और कई लोग 4 टेबलेट एक साथ भी खा लेते हैं, तो इतना हाई डोज हर एक महिला सहन नहीं कर पाती है, तो उनको तुरंत उल्टियाँ हो जाती है, या कई बार महिलाएं बेहोश भी हो जाती है। तो कभी भी 4 टेबलेट एक साथ खाने की कोशिश ना करें आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि आपने एक एबोर्शन पिल खा लिया, जैसे भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, उसके बाद में लेने के बाद अगर आपको पीरियड्स नहीं आए, ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप 7 दिन तक इंतज़ार करो। 7 दिन में आपको जितना हो सके गर्म चीज़ें खाओ, हल्दी वाला दूध पीना है, पपीता खाना है, ताकि पीरियड्स अपने ऑटोमेटिक चालू हो जाए। 7 दिन कंप्लीट हो गए, 7 दिन के बाद में आपको फिर से अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, और पॉसिबल हो तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड में हम ये पता कर सकते हैं कि अभी तक आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना हो गया है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ कहाँ पे हो रही, आपने जो दवाई खाई क्या उसका हमारे बच्चे पे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, यानी कि बच्चे की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही, या फिर मिस्ड एबोर्शन हो गया, या इनकम्प्लीट एबोर्शन है, या फिर थोड़े बहुत टुकड़े रह गए, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि अभी आगे आपको एमटीपी किट रिपीट करना है या फिर डीएनसी करवाना है। अगर आपकी बच्चे की ग्रोथ पूरी कंप्लीटली हो रही, बच्चे में धड़कन वगैरह आ गई, आपकी प्रेगनेंसी 8 हफ्ते 9 हफ्ते की हो गई, तो आप डॉक्टर की सलाह से फिर से एमटीपी किट रिपीट कर सकते हैं। जो तरीका आपने पहले यूज़ किया था वो तरीका, डोज लेने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी कारण से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, पर वो पेड कंसल्टेशन होता है। आप खुद पर्सनल प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट कर रहे हो, तो उधर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में बात होती है, फ्री में नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें आया कि आपका बच्चे की धड़कन वगैरह सब चल रही है, तो डॉक्टर आपको फिर से एक चांस और ले सकते हैं हम एमटीपी किट रिपीट करने का।
अगर एक बार और रिपीट करने के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसके बाद में फाइनल डिसीजन होता है कि आपको डीएनसी करवा लेना चाहिए। बार बार टेबलेट खा करके अपनी बॉडी को कमजोर ना करें, ठीक है। पर अगर आपने दोबारा टेबलेट्स ली, टेबलेट लेने के बाद में ब्लीडिंग तो चालू हो गई पर क्लोट्स नहीं आ रहे, जैसा कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर से फिर 2 दिन के बाद, जैसे आपका डोज खत्म हो जाए पांचों टेबलेट का, 1-2 दिन तो आपको इंतजार करना है। अगर ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो रही तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जा करके मिलना है। डॉक्टर आपकी कंडीशन देख करके आपको अलग से ब्लीडिंग बढ़ाने के लिए यानी कि फ्लो तेज करने के लिए अलग से मेडिसिन दे सकते हैं। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी मेडिसिन देना है, कितनी मात्रा में देना है और कितने दिन के लिए देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एमटीपी किट लेने के बाद में आपके पीरियड्स कब शुरू हो सकते हैं। तो कई बार जैसे ही आप पहली टैबलेट लेते हैं मिफेप्रिस्टोन की, उसको खाने के 12 से 24 घंटे बाद भी पीरियड चालू हो सकता है। उसके बाद में आप 2 मिसोप्रोस्टल लेते हैं, उसके बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। कई महिलाओं की पांचों टैबलेट खाने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद भी ब्लीडिंग चालू होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस टैबलेट का 7 दिन तक हमारी बॉडी पर असर रहता है, तो हमको कम से कम 5 से 6 दिन इंतजार करना है। अगर 5 से 6 दिन में भी आपके पीरियड्स शुरू नहीं होते तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अगर आप एक बार किट खा चुके हैं और अगर उसने काम नहीं किया, वो फेल हो गई, तो आप डॉक्टर की सलाह से 7 दिन के बाद में अपना टेस्ट, यूरिन टेस्ट यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट, सोनोग्राफी करवा करके जैसी भी कंडीशन रहती है डॉक्टर की सलाह से आप फिर से एक बार किट रिपीट कर सकते हैं। धन्यवाद।